पेट्रोल की चोरी आज के समय में एक ऐसी समस्या बन गई है जिसे हर किसी ने अपनी लाइफ में फेस किया ही होगा और ये चीज दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस फ्रॉड के ऊपर हजारों केसेस भी दर्ज किए जा चुके हैं। आए दिन हमें किसी न किसी फ्रॉड की खबर मिलती रहती है और अगर आपकी भी कार या बाइक कम माइलेज देती है तो यह जरूरी नहीं कि वह सही हो, ये पेट्रोल पंप द्वारा किया गया फ्रॉड भी हो सकता है। पूरे देश में तमाम पेट्रोल पंपों पर ग्राहक ठगे जाते हैं और पूरा पैसा देने के बावजूद भी आपको कम पेट्रोल या डीजल मिलता है। टीवी न्यूज़पेपर पर भी ऐसी खबरें आती रहती हैं, जिसमें पेट्रोल पंप पर छापे मारे जाते हैं और फ्यूल की चोरी को बेनकाब किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ तरीकों के बारे में बात करेंगे जिनसे आप पेट्रोल की चोरी को पकड़ सकते हैं और इनसे बच सकते हैं। पहली चीज जो आपको पेट्रोल भरवाते समय फॉलो करनी चाहिए वो ये कि पेट्रोल भरवाते समय कभी भी 100, 200 या 500 जैसे राउंड फिगर में तेल ना भरवाएं। इन जैसे राउंड फिगर पर मशीनें पहले से ही सेट होती हैं, जिस वजह से 100 रुपए का तेल भरवाने के बाद आपको सिर्फ 90 या 95 रुपए का ही तेल मिल पाता है और ये सबसे कॉमन गलती है जो हर कोई करता है। इससे बचने के लिए कभी भी राउंड फिगर में तेल ना भरवाएं, बल्कि 110, 220 या 510 जैसे किसी रैंडम फिगर में तेल भरवाने की कोशिश करें। दूसरी चीज जो आपको ध्यान देनी चाहिए वो है जीरो। तेल भरवाते समय हमेशा मीटर को जीरो से स्टार्ट जरूर करवाएं, क्योंकि अगर आपके पहले तेल भरवाने वाले व्यक्ति ने 100 रुपए का तेल भरवाया तो मशीन 100 रुपए पर ही रुकी रहेगी और सपोज आपने 510 का तेल डालने के लिए बोला तो पेट्रोल पंप वाला बिना जीरो किए वहीं से मीटर को स्टार्ट कर देगा, जिससे मशीन जीरो की जगह 100 से ही स्टार्ट होगी और 510 पर जाकर रुक जाएगी और मीटर पर भी 510 रुपए लिखा आएगा, लेकिन वास्तव में आपको केवल 410 रुपए का ही पेट्रोल मिला होगा। ध्यान रखिए, पेट्रोल कभी भी 1 या 2 लीटर चोरी नहीं होता, बल्कि कुछ ml चोरी होता है, जिससे आपको हवा भी नहीं लगती कि आपका पेट्रोल चोरी हुआ है। तीसरा जो सबसे कॉमन तरीका है वो है बातों में उलझाना। आपने ये देखा होगा कि पेट्रोल पंप पर एक मशीन के पास 2 कर्मचारी होते हैं, पहला पेट्रोल भरता है और दूसरा आपको अपनी बातों में उलझाता है। अगर आप तेल भरवा रहे हैं और कोई दूसरे चचा आपकी हाल चाल पूछे तो उनकी तरफ ध्यान ना दें, बल्कि तेल भरने वाले कर्मचारी पर नजर बनाए रखें, क्योंकि वो चचा आपको बातों में उलझा देंगे वहीं वो कर्मचारी अपने हाथों की कला से पेट्रोल चोरी कर लेगा। तो इससे सावधान रहें और ध्यान रखें कि वह कर्मचारी बार बार पेट्रोल पाइप को चालू या बंद ना करे। साथ ही अगर आपने 510 का तेल डालने के लिए कर्मचारी से बोला और उसने 200 पर ही मशीन को रोक दिया ये कहकर कि मैंने सुना नहीं, तो समझ जाइए कि उसने राउंड फिगर पर मशीन को रोक कर आपको ठग लिया है और आपका कुछ ml फ्यूल चोरी कर लिया है। खैर, ये सब तो कॉमन तरीके हैं। कुछ पेट्रोल पंप वाले मशीन के साथ छेड़छाड़ करके भी फ्रॉड को अंजाम देते हैं। इस स्कैम को हाल ही में उत्तर प्रदेश के कई सारे फ्यूल पंप में पकड़ा गया है। इस स्कैम में पंप के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है जो पंप के आउटपुट को लगभग 6% तक कम कर देती है और ये चिप रिमोट कंट्रोल होने के कारण इसे दूर से भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसका मतलब इस मशीन के कारण हर 1 लीटर के लिए कस्टमर को सिर्फ 940 ml फ्यूल मिलता था। इन सब स्कैम से बचने का एक ही तरीका है कि किसी जाने माने पेट्रोल पंप से ही तेल भरवाएं, क्योंकि चोर के पास हजारों तरीके होते हैं चोरी करने के लिए जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। जिसे चीट करना है वो आपकी आंखों के सामने भी कर सकता है और जिसे नहीं करना वो आपके पीठ पीछे भी नहीं करेगा। तो अगली बार आप जब भी पेट्रोल भरवाने जाएं तो इन सब बातों का ध्यान